एनईडी इंडस्ट्री इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया, ऐसा हुआ कि कोविड आया तो कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं नहीं कंटिन्यू कर सका ना, तो दोस्त ने मुझे बताया था कि यार यू कैन सेल ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान। सर्चिंग शुरू की, ब्राउजिंग स्टार्ट की और एक सक्सेस स्टोरी जो है वो सामने आई। स्टोरी वॉज अबाउट प्राइवेट लेबल सक्सेस स्टोरी। पर्सन वॉज फरुख मलिक फ्रॉम मुल्तान। मैं USA मार्केट में अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लॉन्च कर चुका हूँ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मेरी लगी थी वो तकरीबन 15 to 18,000 डॉलर जो है वो मेरे लगे थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दो ब्रांड अपने लॉन्च कर चुका हूँ। मेरी मंथली अर्निंग PKR में अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 3.5 लाख रुपये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने NED यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में कदम रखा और फिर बिल आखिर ई कॉमर्स का रुख किया। हम इनसे जानेंगे कि ये ई कॉमर्स से कितनी अर्निंग कर रहे हैं और जो लोग अभी तक ये कहते हैं कि ई कॉमर्स फेक है, इससे अर्निंग नहीं होती, उन्हें ये क्या जवाब देते हैं और ये अर्निंग से किस तरह अपनी एक सक्सेस स्टोरी बना चुके हैं, हम इनसे इन सारे सवालात के जवाब इस इंटरव्यू में जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फहद सिद्दीकी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। फहद साहब, आपने माशाल्लाह इंजीनियरिंग की अपनी NED यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ फिर आपने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन ई कॉमर्स का रुख किया आपने बिल आखिर, इसकी क्या वजह थी? थैंक यू सो मच अली भाई फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सक्सेस विद एनेबलर्स एट कासा मलेशिया फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एज अ टोल्ड यू बिफोर, मतलब मैं NED इंडस्ट्री इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद जो है मतलब ऐसा हुआ कि कोविड आया तो कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं नहीं कंटिन्यू कर सका ना, उसमें मुझे लॉस हुआ ठीक ठाक। उसके बाद जो है वो ई कॉमर्स की तरफ जो आने का था मेरा, वो ये तो था कि मतलब मुझे अपना जो है वो बिज़नेस जो है वो कोई ना कोई सेट करना है। तो उसके हवाले से मतलब ऐसा हुआ कि एक हम मतलब कॉलेज जो है वो कॉलेज फ्रेंड्स का मीटअप था हम लोगों का, वहाँ कैफेटेरिया में बैठे हुए थे तो दोस्त ने मुझे बताया था कि यार यू कैन सेल ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान। तो मतलब एक हैरानी हुई कि इज़ इट पॉसिबल हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान। तो मतलब उसके बाद ये हुआ कि मैंने सर्चिंग शुरू की, ब्राउजिंग स्टार्ट की, तो गूगल पे मैं सर्च कर रहा था, मैंने देखा कि मतलब सिर्फ ये टाइप किया था कि हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान, तो मेरे पास जो है वो एक YouTube लिंक आ गया और एक सक्सेस स्टोरी जो है वो सामने आई। स्टोरी वॉज अबाउट प्राइवेट लेबल सक्सेस स्टोरी। पर्सन वॉज फरुख मलिक फ्रॉम मुल्तान, ही वॉज शेयरिंग हिज सक्सेस हेयर एट कासिम अली शाह फाउंडेशन। तो उसके बाद जो है वो मैंने उनकी वीडियो देखी, उनकी सक्सेस स्टोरी देखी। देखने के बाद जो है वो मैंने देखा कि मतलब एक नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो enablers.org का लिंक गिवन था, मैंने उस पर क्लिक किया, देखा कि व्हाट सर्विसेज enablers आर प्रोवाइडिंग अबाउट ई कॉमर्स। तो वो देखने के बाद जो है ऐसा हुआ कि मुझे मतलब काफ़ी सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे अपने लिए बेहतर लगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे बिज़नेस करना था, तो मुझे प्राइवेट लेबल जो है वो अपने लिए वो बेहतर लगा चूज़ करना। सर, इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी आपकी स्टार्ट में जब आपने प्राइवेट लेबल बिज़नेस स्टार्ट किया? देखें, मैं USA मार्केट में अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लॉन्च कर चुका हूँ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मेरी लगी थी वो तकरीबन 15 to 18,000 डॉलर जो है वो मेरे लगे थे। ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने लॉन्च किया तो लॉन्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैं अपनी 3 प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर चुका हूँ इन USA मार्केट एक ब्रांड से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दो ब्रांड अपने लॉन्च कर चुका हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप किस किस प्रोडक्ट कैटेगरी में अभी तक काम कर रहे हैं? मेरी 2 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, एक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, सेकंड वन इज़ होम एंड किचन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मेरी मंथली अर्निंग अगर आप देखें तो PKR में अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 3.5 लाख रुपये
और अगर टोटल रेवेन्यू मेरा अगर आप पूछे तो वो 45,000 प्लस है, 45,000 डॉलर्स। सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और मुझे ये भी बताइएगा साथ साथ कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या उनका माइंडसेट हो तो वो ई कॉमर्स में आके जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर गोल्स मेरे ऐसा है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ ई कॉमर्स से। मतलब और क्या चाहिए आपको, जो है वो आप ईज़िली जो है वो अपना पाकिस्तान से बैठ के बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। ना आपने शिपिंग देनी है, ना आपने जो है वो कोई ऐसा है कि मतलब आप परेशानी वाली कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है, आपने सोर्सिंग करनी है, सिर्फ आपको दो टास्क हैं, एक प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। ये दोनों टास्क आसान नहीं है, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम टू अकम्प्लिश। बट इसका ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के बाद आप अमेज़ॉन वेयर हाउस भेजें अपना प्रोडक्ट, अमेज़ॉन जो है वो ख़ुद जो है वो डिलीवर करता है, वो आपको जगह भी देता है आपका स्टोर बनाने के लिए, जो है वो आपको अपने amazon.com पे स्टोर भी प्रोवाइड करता है। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनेबलर्स का एक जो मतलब बड़ा जो है वो ई कॉमर्स ग्रुप है, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स के नाम से। जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए मैं बताऊँगा कि वो उसको ज्वाइन करें, और सबसे मतलब अच्छी चीज़ जो है वो इनेबलर्स जो है वो फ्री EVS जो है वो अपनी प्रोवाइड करता है, इनेबलिंग वीडियो सीरीज़। तो न्यूबीज़ पहले उसको देखें, और देखने के बाद ये देखें कि मतलब वो कहाँ फिट होते हैं, तो जो उनको कोर्स करना बेहतर लगता है, जो उनको लगता है कि मैं इससे अपनी अर्निंग जो है वो ईज़िली स्टार्ट कर सकता हूँ और अच्छी कर सकता हूँ, तो वो बेशक उसको जो है वो इनरोल करें और जो है वो कोर्स अपना कंप्लीट करने के बाद जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। सर इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर्स और इंस्पायरेशन वो कौन लोग थे? देखें, इंस्पायरेशन की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली माय फैमिली, माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर, तो उनको देख के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक होता है कि मतलब मैं भी इनकी तरह हूँ, तो वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा है मेरे मेंटोर्स की अगर आप बात करें। अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ आपको कि जो मेरे इंस्पिरेशन हैं ई कॉमर्स में आने की जो वजह है वो फर्रुख मलिक ही हैं। तो मैंने जो है वो उनकी सक्सेस स्टोरी फर्स्ट टाइम देखी थी, तो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि ऐसा जो है वो होता है कि मतलब मैं जो ईज़िली जाऊं और देखूं कि मतलब ऐसा पॉसिबल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा पॉसिबल हो चुका है कि मैं ऐसा कर चुका हूं। तो और दूसरा कि मेरे मेंटर जो हैं वो सर फवाद उमर थे, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक, अगर मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ तो मुझे आज भी जो है वो सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और मेरे मेंटोर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? देखें सर, साकिब अज़हर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। ठीक है, ही हैज़ टेकन ग्रेट इनिशिएटिव, आई बिलीव इट्स अवेकनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो और ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे हम चलकर जो है वो अपने साथ साथ अपनी यूथ, अपनी अपकमिंग जनरेशन जो है वो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बिज़नेस माइंडसेट दे सकते हैं जिससे जो है वो एक अच्छा जो है वो अपना बिज़नेस, अपनी अर्निंग जो है वो अर्ली एज से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं वो। सर प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग ये दोनों बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, इनको आसान करने का कोई तरीका है? देखें, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो एक इनेबलर्स का एक हंटिंग पूरा क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स के हवाले से जो है वो एक क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करते हुए, और कुछ डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है, ईग्रो है, ये टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जो है वो अपना प्रोडक्ट को जो है वो आसान कर लेते हैं, किस तरह उसको जो है वो हम सर्च कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फाहद सिद्दीकी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में और ख़ास तौर पे वो ये जानना चाहते हैं कि प्राइवेट लेबल बिज़नेस में आके किस तरह काम किया जाए, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, ई कॉमर्स को ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।